दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप में कौन सा नियम है जो पहली बार लागू किया जा रहा है और क्यों आवेश खान को भारतीय टीम में शामिल किया गया है और हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर क्यों वेंकटेश अय्यर को टीम में लिया गया है। जी इस वीडियो में ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों ICC की ओर से बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पहली बार DRS का इस्तेमाल होगा और हर टीम को 20 ओवर में 2 रिव्यू मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में DRS का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे KL राहुल की। जी हाँ दोस्तों, लोकेश राहुल इस बार मेगा ऑक्शन में शामिल होने जा रहे हैं और उन पर अभी से 3 टीमों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है। उनमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है RCB और जो 2 टीम नई होगी वो दोनों इन पर बड़ी बोली लगाएगी। और दोस्तों RCB ने तो KL राहुल को कप्तान बनाने का मन बना लिया है। जब से RCB की कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ी है तब से लोकेश राहुल को कप्तान बनाने के लिए RCB की टीम लोकेश राहुल से लगातार संपर्क में है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या लोकेश राहुल को RCB द्वारा कप्तान बनाया जाना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या जो कि भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल है, उनकी फिटनेस लगातार अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से BCCI ने यह निर्णय लिया है कि KKR के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को UAE में ही रुकने को कहा है और जल्द ही भारतीय बायो बबल में शामिल होने को कहा है, जो कि हार्दिक पांड्या के कवर के तौर पर टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह वेंकटेश अय्यर को टीम में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आवेश खान की। दोस्तों आज की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आवेश खान को भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम में नेट बॉलर के रूप में शामिल कर लिया गया है। वो जल्द ही IPL से फ्री होकर भारतीय बायो बबल टीम में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आवेश खान को क्या भारतीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि नेट बॉलर के रूप में आवेश खान से पहले उमरान मलिक को, जो कि स्पीड स्टार हैं इंडिया के, उन्हें भी नेट बॉलर के रूप में भारतीय टीम शामिल कर चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आज होगा क्वालिफायर 2। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और KKR के बीच आज क्वालिफायर 2 खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम का सफ़र यही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है और जो आज का मुकाबला जीतेगी उस टीम का मुकाबला होगा वीवो IPL फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी के साथ। जी हाँ दोस्तों, CSK के साथ होगा उनका फाइनल मुकाबला। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि IPL का खिताब कौन सी टीम जीत रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय। सी यू सून।